गुड मॉर्निंग मेरे 10वीं के प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप। जैसा कि अब आज शिक्षा मंत्री साहब ने कह भी दिया है कि बहुत जल्दी एग्जाम हो जाएंगे 10वीं और 12वीं के बोर्ड के, तो आप लोग तैयारी पूरी रखना और ढंग से पढ़ाई करना ताकि आपका पूरा का पूरा कोर्स और अच्छे नंबर से आप पास हो सको। इसीलिए और पूरे दिल से तन मन से पढ़ाई करना। हम जैसा कि आपको पता है कि गुजर पतियार पढ़ रहे थे, गुजर पतियारों की हमने बात की थी कि उनका मूल जो संस्थापक इससे हरिश्चंद्र नामक व्यक्ति है, किताब में हालांकि नहीं है लेकिन फिर भी आप सुन लो, गुजर पतियारों की दो शाखा थी, एक भीनमाल शाखा थी और एक थी मंडोर शाखा। मंडोर शाखा छोटी शाखा थी, भीनमाल शाखा बड़ी शाखा थी, लंबी शाखा थी। भीनमाल शाखा ने ही त्रिपक्षी संघर्ष प्रारंभ किया था, उस प्रकार से हमने बात की थी। तो आज बात करते हैं हम उसके मूल संस्थापक हरिश्चंद्र की। बात हमने कर दी थी, हरिश्चंद्र कहा जाता है एक ब्राह्मण था और इसके दो पत्नियां थी, एक भद्रा नामक पत्नी थी, वो क्षत्रिय पत्नी थी और उसी से उसका वंश चलता है। और हम बात यहाँ पर कर रहे हैं भीनमाल शाखा की और इसका संस्थापक है नागभट्ट फर्स्ट ने 725 ईस्वी के आसपास गुजरात में इस वंश की स्थापना की है। गुजरात के क्षेत्र में इस, और उस समय गुजरात के क्षेत्र को गुजरात्रा कहा जाता था, इसीलिए इस वंश को गुजर प्रतिहार वंश कहा गया। ये ध्यान रखिएगा, उस क्षेत्र के आसपास, उस क्षेत्र का नाम गुजरात्रा था, इसीलिए गुजरात्रा क्षेत्र पर अधिकार और राज्य करने के कारण इन्हें गुजर प्रतिहार कहा जाता है। नागभट्ट फर्स्ट ने सिंध से होने वाले मुस्लिम आक्रमण या अरबों के आक्रमणों का वीरता पूर्वक सामना किया, इसीलिए इन्हें प्रतिहार द्वारपाल कहा गया। सबसे ज्यादा मुस्लिम आक्रमण का सामना गुजर प्रतिहार वंश ने ही किया था। बाद में बात करते हैं, इसके बाद जो राजा होता है वो वत्स राज है। देखिए, नागभट्ट फर्स्ट सामंत था, नागभट्ट फर्स्ट जो था अभी पूर्ण रूप से राजा नहीं बना था। वत्सराज जो है वो इसका वास्तविक सामंत शासक संस्थापक कहलाता है, क्योंकि सम्राट की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक जो है वो वत्सराज है। सम्राट की उपाधि धारण की इसका मतलब ये कह सकते हैं हम कि सम्राट की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति पहला स्वतंत्र शासक था। उससे पहले जो नागभट्ट फर्स्ट है वो सामंत की श्रेणी का था, लेकिन वत्सराज जो है, वत्सराज पहला स्वतंत्र शासक है और यही वो व्यक्ति है जिसने सम्राट की उपाधि धारण की है। त्रिपक्षी संघर्ष जो हमने बात की थी, कन्नौज पर अधिकार को लेकर त्रिपक्षी संघर्ष होता है पाल गुजर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के मध्य। उस त्रिपक्षी संघर्ष को प्रारंभ करने वाला शासक भी कौन है? वत्सराज है, ये ध्यान रखना। और इसी ने त्रिपक्षी संघर्ष प्रारंभ किया। त्रिपक्षी संघर्ष क्यों हुआ था? तो कन्नौज पर अधिकार को लेकर, ये बात हमने पहले हम कर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों शासक बनता है नागभट्ट सेकंड ने 816 ईस्वी के आसपास गंगा घाटी पर अधिकार किया। अर्थात जो त्रिपक्षीय संघर्ष तीन शक्तियों के मध्य था वो समाप्त होता है नागभट्ट सेकंड के समय, क्योंकि इस दौरान उसने क्या किया है, त्रिपक्षीय संघर्ष पर विजय प्राप्त की है और कन्नौज पर अधिकार कर लिया है। त्रिपक्षीय संघर्ष जैसा कि हमने कहा था कन्नौज पर अधिकार को लेकर हो रहा है, और कन्नौज पर अधिकार किसने किया? गुजर प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड ने, और उसने कन्नौज पर अधिकार करके उस कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। महत्वपूर्ण है, कन्नौज को राजधानी किसने बनाया? नागभट्ट सेकंड ने बनाया है। ये त्रिपक्षी संघर्ष प्रारंभ कौन कर रहा था? वत्सराज कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। नागभट्ट सेकंड जो है वो गुजर प्रतिहार वंश का है और उसने राष्ट्रकूट वंश के गोविंद थर्ड से उसका युद्ध होता है, पर गोविंद थर्ड से वो पराजित होता है। देखिएगा, जब त्रिपक्षी संघर्ष हो रहा है तो त्रिपक्षी संघर्ष में अधिकांशतः राष्ट्रकूट शासकों की विजय हुई है, लेकिन जो कन्नौज पर अधिकार होता है वो गुजर प्रतिहारों का होता है। इसके बाद मुख्य शासक बनता है मिहिर भोज को भोज प्रथम भी कहा जाता है और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक है ये, और नागभट्ट सेकंड का पुत्र है। अरब यात्री जो सुलेमान है जिसने पुस्तक लिखी थी अखबार सिंध वाला उल हिंद, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं, अखबार सिंध वाला उल हिंद किसने लिखी? तो सुलेमान ने लिखी है। और वो भारत जब आता है, नागभट्ट सेकंड का पुत्र मिहिर भोज उस समय यहाँ का शासक है। मिहिर भोज के बाद शासक बनता है महेंद्रपाल। महेंद्रपाल का एक गुरु है, गुरु का नाम है राजशेखर। संस्कृत के महान विद्वान है जिन्होंने कई पुस्तकें लिखी है। देखिए, संस्कृत की पुस्तकें लिखी, उन्होंने ये कोड बनाया हमने प्रहर भू बाबा विकाग। पहली पुस्तक है प्रचंड पांडे,
प्रचंड पांडे, दूसरी पुस्तक है हर विलास, हर विलास, तीसरी पुस्तक है भुवन कोश, भुवन कोश, नेक्स्ट है बाल रामायण, फिर पुस्तक है बाल भारत, बाल भारत, फिर पुस्तक है विद्वशाल भंजिका, फिर पुस्तक है काव्य मीमांसा, और अंतिम पुस्तक है कपूर मंजरी। ये सारी की सारी पुस्तकें लिखी है राजशेखर ने, और राजशेखर किसके गुरु है? महेंद्र पाल के गुरु है। पुस्तक देखिए, प्रचंड पांडे, हरविलास, भुवन कोश, बाल रामायण, बाल भारत, विद्वशाल भंजिका, काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो राजशेखर ने लिखी है। इसके बाद का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।